जी डिवीजन मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 71 का क्वेश्चन नंबर 36। इसमें क्वेश्चन है जैसे कि जो इसका टू दिया है साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस का रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस का रूट वाई, इसमें वैल्यू फाइंड करनी है डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू। देखिएगा आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग एन यू होता है और यहाँ पे एन इक्वल टू ऊपर पावर 1/2 है न्यूमिनेटर यानी अंश में और हर में भी 1/2 है, 1/2 माइनस 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 0 यानी एन इक्वल टू 0, तो 0 इंटू यू इक्वल टू होगा 0। एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू अपॉन डेल वाई का मान 0 आ जाएगा। अगर सॉल्विंग करेंगे तो काफ़ी उसमें टाइम स्पेंड होने वाला है, उसके बाद आंसर यही आएगा। ठीक है, तो जिनमें एन इक्वल टू 0 आ रहा है तो वहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे एन इक्वल टू 0 नहीं होता है तो वो सॉल्विंग करने पड़ते हैं। देखिएगा इसका भी डायरेक्ट सी ट्रिक्स है, जैसे ये क्वेश्चन है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू लाना है टेन यू। ठीक है, ये शो करना है तो इसको हम टेन को इधर ले जाएंगे, अगर डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई ये निकालें तो फिर टेन में लाएँ काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से इजी कर लेता हूँ, मैं इसको मान लेता हूँ जेड। ठीक है, तो पावर है एन का मान हो जाएगा 2, यहाँ 1 2 माइनस 1 इक्वल टू एन इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, आयलर थ्योरम का यूज़ हम यू में न करके जेड में करते हैं, क्योंकि जेड में यू भी इंक्लूडिंग है, तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू होना चाहिए एन जेड, इनका मान 1 है 1 इंटू जेड। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, जेड का मान हमने पुट किया साइन यू प्लस का वाई डेल अपॉन डेल वाई, जेड का मान हमने पुट किया साइन यू इक्वल टू 1 इंटू जेड का मान होगा साइन यू, तो एक्स साइन यू का डिफ्रेंशिएशन कोस यू एंड डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई एंड कोस यू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू हुआ साइन यू। ठीक है, कोस यू कॉमन निकाल लेते हैं, कोस यू हमने कॉमन निकाला एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू है साइन यू, तो ये हो जाएगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन यू अपॉन कास यू इक्वल टू टेन यू, यही हमको प्रूविंग करना था। ठीक है, अदरवाइज यू डेल यू अपॉन डेल एक्स इस तरह से निकालते ज़्यादा लेंथी हो जाता, तो इससे बहुत आसानी से आ जाता इस ट्रिक्स के द्वारा, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इसी टाइप के क्वेश्चन देंगे, जैसे कि यू इक्वल टू 10 इनवर्स 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस का वाई ठीक है, तो इसमें प्रूफिंग करना है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1/2 साइन 2u, ये इसका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही करना है, टेन इनवर्स ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको मान लेते हैं जेड, यानी कि ये हो जाएगा टेन जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर सॉरी टेन यू। ठीक है, एंड टेन यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड। यहाँ पे हम आयलर थ्योरम का यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू आयलर थ्योरम या यूजिंग आयलर्स थ्योरम, आयलर्स थ्योरम एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू होना चाहिए एन जेड, एन का मान 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 है, तो एक्स डेल अपॉन डेल एक्स जेड इक्वल टू पुट के लिए 10u प्लस का वाई डेल अपॉन जेड डेड ये हो गया 10u इक्वल टू 1 इंटू जेड जेड इक्वल टू 10u, तो ये हो जाएगा एक्स 10 का होगा सेक स्क्वायर यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई सेक स्क्वायर यू डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 10u। यहाँ पे हम sec स्क्वायर u कॉमन निकालेंगे, x डेल u अपॉन डेल x प्लस वाई डेल u अपॉन
रेस्पेक्टेड टू वाई होता, यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू टेन यू, तो ये हो जाएगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू टेन यू अपॉन सेक स्क्वायर यू, टेन यू को तोड़ेंगे साइन यू बाई कॉस यू, सेक स्क्वायर यू तो यह होगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर यू, ये यहाँ मल्टीप्लाइंग हो जाएगा, तो यह बनता है साइन यू और कोस स्क्वायर यू बाई कॉस यू, कैंसिल करेंगे तो यहाँ होगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन यू इंटू कॉस यू, और दो से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग करेंगे तो वन बाई टू टू साइन यू कोस यू साइन टू यू, ठीक है, यही वैल्यूज हमको फाइंडिंग करना है, यही इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, तो इसका जो वैल्यूज है वो आना है प्रूविंग होकर एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन टू यू, ठीक है, तो एन का मान यहाँ पे हो जाएगा टू, ये हो जाएगा टेन यू इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब बाई एक्स माइनस का वाई इक्वल टू जेड मानेंगे, अकॉर्डिंग टू आलियस थ्योरम एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन जेड, वेयर एन इक्वल टू का थ्री माइनस वन इक्वल टू टू, ठीक है, एन का मान टू है तो एक्स डेल अपॉन डेल एक्स जेड का होगा टेन यू प्लस का वाई डेल अपॉन डेल वाई जेड इक्वल टू टेन यू इक्वल टू टू इंटू जेड, जेड का मान भी हम टेन यू रख सकते हैं, जेड इक्वल टू हमने पुट किया टेन यू तो एक्स सेक स्क्वायर यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस का वाई सेक स्क्वायर यू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू टेन यू, यहाँ से हम कॉमन लेंगे सेक स्क्वायर यू एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू टू टेन यू लिखेंगे साइन यू अपॉन कॉस यू, सेक स्क्वायर यानी कि वन अपॉन कॉस स्क्वायर यू एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू टू साइन यू वाई कॉस यू, एक कॉस यू कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन यू एंड कॉस इसकी मल्टीप्लाइंग में जाएगा एंड कॉस यू टू साइन यू कॉस यू साइन टू यू, ठीक है, तो यही हमको आंसर लाना था एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन टू यू, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, इस टाइप जो क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन थोड़ा मैं दे देता हूँ, जैसे कि y इक्वल टू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, इसमें x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू आना चाहिए क्या, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर फाइंडिंग करनी है, यहाँ पे n का मान जीरो होगा यानी कि न्यूमिनेटर में भी वन है डिनोमिनेटर में भी वन है तो एन बराबर जीरो, अकॉर्डिंग टू आलियस थ्योरम एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन यू, एन इक्वल टू जीरो इंटू यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो।